क्योंकि ये पहले भी तो भैया थे आने से पहले, पर हम लोगों ने इनको पता है कि बाल काले कर ले, जो कि हो नहीं रहा इनसे, तब सबने अंकल बुलाना स्टार्ट कर दिया, सो इनका नाम आपसे बिदत अंकल है। थैंक यू, थैंक यू। गाइस वेलकम, और आज है डे 5 और हम लोग आए हैं सचखंड गुरुद्वारा नांडेड पे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और 11 बजे की ट्रेन है नांडेड स्टेशन से, और अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे थोड़े से अंदर दर्शन को, और इसके बाद फिर हम आगे आपको अंदर का हाल दिखाते हैं। तो मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर ले जाऊंगा और देखते हैं गुरुद्वार के अंदर जाके फिर। तो आइए मेरे साथ चलते हैं नांडेड में सचखंड गुरुद्वारा, तो यहाँ पे चलते हैं। गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं, आइए फिर अंदर का ये दिखाता हूं। काफ़ी बड़ा एरिया है और ये बिल्कुल आपका अमृतसर जैसा ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो आइए अंदर चलते हैं फिर। दर्शन कर लिया, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने को, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर स्टेशन जाएंगे। टाइम तो हमारा 11 बजे का ट्रेन है, अभी 10 ऑलरेडी बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, अभी हमें ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर फटाफट स्टेशन जाके। तो अच्छा लगा और काफ़ी बड़ा एम्बियंस है, मन खुश हो गया यहाँ पे आके।
और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, कूल पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्टेशन चलेंगे फिर, और कुछ खा लेते हैं पहले फिर स्टेशन चलते हैं। अभी हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं कुछ खाने, और खाने के बाद फिर जाएंगे स्टेशन। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे गुरुद्वारा, और फटाफट अभी देर हो चुका है और टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो अभी हम चलेंगे स्टेशन की और कुछ खाने के बाद। तो ये सारे हमारे लगेज, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं भैया। चलो 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 चलो, तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की ओर। फिर 11 बजे 10:30 हो चुका है और फटाफट अभी हम स्टेशन की ओर निकलते हैं। काफ़ी अच्छा जर्नी था और अच्छा लगा यहाँ पे आके, और कल्चर को भी एक्सचेंज किया था। और अभी जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, तो आपको दिखाते हैं बाकी। ट्रेन लग चुकी है, बस तो आइए चलते हैं। स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां से अभी हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए निकलेगी 11 बजे, और हम लोग यहां से अभी निकलेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। और सारे लोग आ गए हैं और ये मोमेंट बहुत ही मतलब ऑकवर्ड मोमेंट होता है, क्योंकि इतने दिन बिताने के बाद एक अच्छा बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, और बहुत ही मतलब दुख भरा मोमेंट होता है कि सबको एक एडियो मैसेज देना, तो मैं दे नहीं पाऊँगा, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो पंकज भाई थैंक यू सो मच, ये व्लॉगिंग में आप लोग देखना, आप लोग सब लोगों को दिखाऊंगा। और ये हमारे लावली जिन्होंने हमको लाया नांदेड़ में, घुमाया हमको, इतना केयर किया, मतलब जब से हम यहाँ पे नांदेड़ में स्टेशन पे चढ़े ना, चेन्नई से लेकर ट्रेन पे यहाँ पर छोड़ने हैं। आपको एक सच बात बताओ, ये तीनों भी बहुत झूठे बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे झूठी है। नॉट ओनली हिम, स्पेशली नांदेड़ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही में बहुत ही अच्छे हैं, और इनकी जो हॉस्पिटलिटी है, जो हॉस्पिटलिटी है बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही केयरिंग है, बहुत केयर किया खाने पीने से,
लेकर रहने तक बहुत ही केयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये ना मोमेंट, और ये तो लवली गर्ल है, ये बॉय नहीं है, गर्ल है, बहुत ही अच्छा है। मैं दिखाऊंगा ये लवली सम्राट। यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, नमस्ते। और कोशिश क्या है कि जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूं, और बस इतना ही था दिल्ली टू नांदेड, नांदेड टू दिल्ली का जर्नी। और कुछ अगर और अलग दिखा सकूं तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी पहुंच चुके हैं, आगरा क्रॉस कर लिया है, और ट्रेन नंबर था 12485 फ्रॉम नांदेड टू न्यू दिल्ली, जो कि ये ट्रेन जाएगी अभी जम्मू तवी, यानी कि जम्मू तक जाएगी। तो अभी हम लोग उतरेंगे न्यू दिल्ली पे, क्योंकि ये पहले बिद्दत भैया थे आने से पहले, पर हम लोगों ने इनको पता है कि बाल काले कर ले, जो कि हो नहीं रहा इनसे, अभी सबने अंकल करना स्टार्ट कर दिया, तो इनका नाम से बिद्दत अंकल है। बहुत ही ज्यादा खुश है। हाँ अंकल जी। हाँ जी सर, बताइए क्या हुआ, कैसा चल रहा है लाइफ? ठीक है। अच्छा, और बाकी? ठीक है, अभी दिल्ली पहुँचेंगे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। इनकी शादी की प्लानिंग हो रही है, मतलब इनकी शादी के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि चर्च में होने वाला है। सो मैं डिस्कसिंग की ब्राइड मेड तो नहीं है, बट ग्रूम मेड मैं बन सकती हूँ। सो प्लानिंग फॉर दैट। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते रहना पड़ेगा, तो बस ये टाइम हम चला रहे हैं। तो ये भैया लोग, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। पंजाब, नांदेड से आए हैं। नांदेड से आए हैं, तो नांदेड साहब से गए थे गुरुद्वारे में ना? हजूर साहब। ठीक है, तो ये कुछ नए सब्सक्राइबर मिल गए हैं, अभी हम इनसे भी बातें कर रहे हैं, और उसके बाद इनको भी सब्सक्राइब करवा दिया चैनल, और वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेटवर्क नहीं है, यही वाला है, इसको मैंने सब्सक्राइब कर दिया, यही वाला आएगा। ठीक है, यू बी। हाँ, यू बी, ये रहा यू बी ब्लॉग। जैसे ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग के ऊपर कहीं पे जा रहे हैं, कुछ जगह दिखा रहे हैं। अभी नांदेड साहब गए थे, तो नांदेड साहब का वहाँ पे दिखाया कैसे क्या है। हम लोग गए हुए थे नांदेड पे, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम था। ट्रैवलिंग वगैरह का सिटी में बाइकर हूँ, तो बुलेट के साथ ही जाते हैं। तो ये मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को। चलो ठीक है, ओके, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, जय आया।